9 मई को संगीता अलीपुर निवासी ने थाने में अपने पति फूलों के गायब होने का मामला दर्ज कराया और कहा कि उसका पति 8 मई को रेहड़ी पर सब्जी बेचने गया था और तब से वापस नहीं आया। 10 मई को वह फिर से थाने गई और कहा कि उसके पति का शव शमशान घाट पर गांव खामपुर दिल्ली में पड़ा है। घटना स्थल का दौरा किया गया और पाया कि एक पुरुष का मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ है। शव 2 दिन पुराना लग रहा था और सड़ने लगा था। क्राइम टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। शुरुआती साक्ष्यों के आधार पर IPC धारा 302 के तहत FIR संख्या 329/21 दर्ज की गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतक फूलों की शादी 2005 में रेखा से हुई थी और उनके 3 बच्चे भी थे। मृतक दिल्ली आ गया था और संगीता और पूजा के साथ रहने लगा था, जो कि तलाकशुदा है। उन दोनों ने 2017 में शादी कर ली थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। करीब 3 महीने पहले मृतक की पहली पत्नी रेखा अपने बच्चों के साथ दिल्ली आ गई और मृतक संगीता को छोड़कर अपनी पहली पत्नी के साथ रहने लगा। संगीता कुछ दूर किराए पर ही रहती थी। रेखा ने बताया कि करीब 3 दिन पहले संगीता मृतक से किसी बात को लेकर झगड़ा कर रही थी। संगीता और मृतक के CDR का विश्लेषण किया गया और इलाके के CCTV फुटेज का भी विश्लेषण किया गया, जिसको देखने के बाद संगीता मुख्य संदिग्ध बन गई। गहन पूछताछ के बाद संगीता अपने प्रेमी रिंकू निखिल जॉन पुत्र फ्रेडी जॉन के साथ अपराध के कमीशन का खुलासा करती है, क्योंकि मृतक ने उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया था, साथ ही उसका शारीरिक व यौन शोषण भी किया था। इस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कहने पर उसके सह आरोपी रिंकू उर्फ निखिल जॉन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जाँच अभी जारी है।